वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। बीपीएससी मींस बिहार पीएससी पीजीटी बायोलॉजी की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है आज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस वाले इस पीजीटी बायोलॉजी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम्स कब होगा, फॉर्म का लास्ट डेट कब है और एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या होंगे, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने भी एमएससी बॉटनी से, जूलॉजी से, लाइफ साइंस से, बायो साइंस से, जेनेटिक्स से या माइक्रोबायोलॉजी से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से या प्लांट फिजियोलॉजी से किया हुआ है और अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे आपने एटलीस्ट 2 साल बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हुई है, अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है, मीन्स आपका जो ग्रेजुएशन है बीएससी का, आपकी जो डिग्री है, अगर आपने बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी एटलीस्ट 2 ईयर तक अगर आपने पढ़ रखा है और इसके साथ साथ में एमएससी अगर आपकी इनमें से किसी में से भी है, बॉटनी से है, जूलॉजी से है, लाइफ साइंस से है, बायो साइंस से है, जेनेटिक्स से है, माइक्रोबायोलॉजी से है, अगर ऐसा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ में आपको बीएड भी चाहिए होगा, मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री करने के बाद बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपने अगर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी हुई है तो इन मास्टर के से डिग्री लेने वाले सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं बिहार पीएससी के थ्रू पीजीटी बायोलॉजी की जो डिग्री जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके लिए। और बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स है, जैसे लास्ट डेट आपका अभी बढ़ गया है तो 15 जुलाई मीन्स कल तक के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कल तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 से 27 अगस्त के बीच में इनका एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम्स की भी डेट पहले से ही क्लियर है, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए डेट बहुत कम बचे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिहार पीएससी का ही एडवर्टाइजमेंट है और इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो सभी का कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा हुआ है वो कौन सा सभी का कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे बायोलॉजी में दिया हुआ है कि आपके पास बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है, तो बीएड आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में आपके पास ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर जूलॉजी बॉटनी की डिग्री भी होनी चाहिए, मतलब आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। एग्ज़ाम्स का पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये वाला जो पेपर होगा, पहला वाला, ये सबके लिए कॉमन होगा, सभी लोगों के लिए कॉमन होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट मतलब दो, यहाँ प्रश्न 2 भाग में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक भाग मतलब फर्स्ट पार्ट में जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश जो कि कॉमन होगी, और दूसरा भाग में आपके पास 3 लैंग्वेज होंगे, हिंदी होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा, इनमें से किसी एक को आपको क्या करना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा। और इनमें अलग अलग मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में कम से कम 30% मार्क्स आपको स्कोर करने रहेंगे। ये वाला पेपर सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पीजीटी वालों के लिए ये वाला है, और पीजीटी के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञान विषय एवं सामान्य ज्ञान, यहाँ पे पार्ट A 80 है, पार्ट B 40 है, तो ये भी पेपर भी आपको क्या होगा, 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट A के एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से जो किसी एक पत्र का चुनाव किया, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, जो भी कुछ आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी देखेंगे, तो बायोलॉजी आपका रहेगा उससे आएगा। इसके बाद आपका विषय पत्र पर के पाठ्यक्रमों से बिहार विद्यालय में NCERT संबंधित लेकिन उनसे आएगा। तो ये सारा का पूरा पेपर का क्या होगा, पैटर्न होगा। तो लास्ट डेट आपको भरने के लिए फॉर्म का जो डेट है वो बेसिकली 15/7/2023 है, तो मतलब कल है, तो आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिए। एग्ज़ाम्स का जो डेट होगा वो 24 से 27 अगस्त दिया गया है, ताकि पास डेट बहुत कम बचे हुए हैं और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो पेपर का पैटर्न भी आपने देख लिया, एग्ज़ाम के डेट भी देख लिया और लास्ट डेट भी देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया। तो गाइस, जो लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किया हुआ है और ग्रेजुएशन ने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है और अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखें। आप देख रहे थे एमएस बायोलॉजी और मैं महेंद्र कुमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।